लगेट नपाई कथन ये गुही हुआ कि ओना जस्टर जो कॉपी पेस्ट था तो वे कनाडी के नपाई हुआ चिका तो डगो जहाँ तलगो जे लगा जिते नपाई स्किलफुल प्लेयर स्टार खिलोड़ी कना को जहाँ तक लगते के करे जहाँ तक खिलोड़ पे जल को जिते के स्टार खिलोर जिते के नपाई तो वे नगर टेमरिन फाइनेंसर उनको तो सिलेक्शन को नुआ को जिते फाइनेंसर टीम कना और फाइनेंसर टीम रे उना अलगा तो तीसरा जगह तो बम्बा बगाड़े कारण निये कना फाइनेंसर टीम रे खेलो खेलवाड़ा हॉर्मोन साथे परफॉर्मेंस साथे बॉडी रे एक्टिविटी फ्लेक्सिबल रोटेशन रनिंग स्टेमिना साथे डिसिप्लिन निये जितिया तुले पुलिया इन तयंग फाइनेंसर निधि टीम रे जोड़ा रे मेटा दावा एबो आर बका उन अलगा ते दो नोंकन टूर्नामेंट रे नोंकन क्लब रे साव जोड़ा आ दाव जाम दो उना असंद बंकना इस टूर्नामेंट में उन्हें लेकर आया उनके लिए उन तमाम टीम मैनेजर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। चलिए बजेगी सिटी उड़ेगा बॉल बजेगी सिटी उड़ेगा बॉल रेड फुटबॉल के साथ इस मैच को किकअप करता हुआ मैच रेफरी अमृत दंग। चलिए अमृत दंग बहुत सारे दर्शक सोच रहे होंगे कि अमृत दंग और विक्रम इन दिनों का नाम लेने में क्यों समय लिया जाता है। ये बहुत बड़ा यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है बहुत बड़ी सवाल है। आप लोग देखेंगे अमृत दंग और विक्रम इनको हूबहू आप किसी भी तरह से चाहे बॉडी का एक्टिविटी जो या स्टाइलिश हो आप दूर से नहीं पहचान पाएंगे। आप सामने भी जाएंगे तो पहचानने में समय थोड़ा सा लगेगा क्योंकि दोनों कौन अमृत दंग है कौन विक्रम है आप समझ से परे हो जाएंगे ऐसा मैं शेफरी इसलिए हमें थोड़ा सा समय लेना पड़ता है क्योंकि मैं लगातार मिलता हूं लेकिन फिर भी मैं इस तरह का मुझे सामना करना पड़ता आप समझ सकते हैं कि उनमें कितना मतलब सिमिलरिटी हमें देखने को मिल रहा है। चलिए ये अमृत दंग जी है बहुत अच्छे मैच है भी और एक अच्छे कोच के रूप में इनको देखते हैं अमृत दंग वही ए आर वन में आप देखेंगे जुझार सोरेन ए आर टू में देखेंगे आप सोहनलाल हासदा जिनको करण के नाम से जाना जाता है प्यार से बहुत मजेदार मैच है आज हमारे टूर्नामेंट से जुड़ चुके हैं। चलिए अभी भी जो दर्शक आए हुए हैं मैं जानकारी भी बता दूं ये जो मुकाबला आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा मुकाबला है डू एंड डाई करो या मरो का ये। चलिए दर्शकों को मैं बता दूं जानकारी के लिए चांदोरों का पश्चात जहां टीम बनी रखा लोगों को शांति बोर्ड जमशेदपुर टीम का नाम जेते गाड़ी नपाय खिलोड़े टीम में जोड़ा बना कर किचु राजनगर एरिया टीम नॉर्थ टूर्नामेंट नॉर्थ टीम में जोड़ा बना कर और किचु तेलुगु एरिया खिलाड़ी टीम में जोड़ा बना कर मैं फिर समझ करता बेटा नपाय टीम अब बहु और कटे टीम को बनावा कर टीम लीड शंकर टीम मैनेजर नपाय उहर तकिन कटे टीम की बनावा कर कारगिल के पास मौका है सही टाइम पर सही अटैकिंग सही टाइम पर सही जवाबी हमला दिया यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा प्रसाद मुर्मू। चलिए वह लोहा गराना सिर्फ मार का हथौड़ा तवा गरा में रोटी सेकने के बारे में कौन सा टीम को कौन सा खिलाड़ी रोटी सेकेंगे इस गर्म तवे पर ये बहुत बड़ी सवाल है। दीपक का कीक लेकिन कोई कीक तो है क्या बाबर खान शरद मोहन मोहन को बना एक्सटर्नल कर कीक अंदर कम बाहर जाना आदि की खतरनाक कीक को बनाने वाला सीखा था नवा पोजीशन दिशा साथ साथ पावर ये बढ़िया जिनिस नवा मायने से दिया अन्य जिनिस तुलु पहले गोलकीपर लगे तो आदि की एच कटर हुई अन्य एनालिसिस बाकी दाड़े हैं और उन्हें खातिर गाड़ी गन गोलकीपर नवारे जाने जानबूझकर या अनजाने में ये कहां पे कैसे हो रही है किस तरीके से हो रही है इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर जानबूझ के गलती कर रहे हैं तो ये जुर्म माना जाएगा जाने अनजाने में हो जा रही है इसे जुर्म नहीं माना जाएगा आपको एडवांटेज दी जाती है इसलिए ज्यादा ज्यादा ध्यान देंगे तो इसी चीज को देखा जाता है डिसिप्लिन यही सब को देखा जाता है इसी चीज को देखा जाता है कि आप कितना ज्यादा डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। आज के तारीख में अगर देखा जाए फुटबॉल इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है जब से हमारे जमशेदपुर के लोह नगरी में हीरो इंडियन सुपर लीग का आगमन हुआ है तभी से फुटबॉल में क्रेज इस कदर बढ़ गया है
जो मुझसे कह भी नहीं सकते, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, सभी के मन में दिलो दिमाग में इस कदर बढ़ चुका है, कहना तो मुश्किल हो जाता है। और फुटबॉल का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज का तारीख में फुटबॉल हर कोई पसंद करता है, इसलिए सभी के दिल में रहता एक ही शब्द पूछता है कि आई लव माई फुटबॉल, आई लव माई फुटबॉल। यही कारण है आज के तारीख में पूरे विश्व की बात की जाए तो 200 से अधिक देश फुटबॉल को खेलते हैं, 200 से अधिक देश फुटबॉल को खेलते हैं। इससे आपको आप यू साबित कर लीजिए, आपको ये पता चलता है कि फुटबॉल का क्रेज कितना है, फुटबॉल से कितना हमें फायदा मिलता है, फुटबॉल से आपको बहुत फायदा है। स्वामी विवेकानंद जी का कहावत मुझे याद आ रहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गीता पढ़ने से अच्छा है क्या फुटबॉल के लिए, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। फुटबॉल खेलने से गीता पढ़ने से अच्छा है क्या फुटबॉल के लिए, आप यूं समझ लीजिए स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्ति जब इस तरह का बात को कह रहे हैं और इस तरह का संदेश दे रहे हैं तो वाकई में वो जायज है। तो हमें हर महान व्यक्तियों का दिखाए गए नक्शे कदम से चलने का जरूरत है, दिखाए गए देखना होगा। यहाँ पर काफी तेज गति के साथ नंदी गेंद के साथ आगे बढ़ता हुआ, अभी भी बहुत खतरनाक किसी भी नंदू सरदार क्रॉस किया लेकिन पूरी तरह से आज प्रसाद ने गेंद को किनारे किया, गेंद को रोका, ये गेंद काफी इंपोर्टेंट था नंदू सरदार का, प्रसाद का ब्लॉक नहीं आता तो मुश्किल हो सकता था, काफी घटना अंजाम दे सकता था क्योंकि पूरा का पूरा आज बना बनाया आज मौके से पानी फेरता हुआ प्रसाद मुर्मू। मैं तारीफ करना चाहूंगा प्रसाद का, यही खासियत है प्रसाद में, आज नंदू का खासियत पूरी तरह से बिगड़ने में कामयाब हासिल किया। अन्यथा जिस तरह से नंदू ने कारगिल मुखी के लिए जगह को बना रहा था लेकिन दूध का दूध और पानी करने में सक्षम होता हुआ यहाँ पर प्रसाद, फिर से ये है साइमन, साइमन ने फिर से यहाँ प्रसाद मुर्मू, अरे डंडिया रे जोन में गेंद से मौका बनेगी, ओह चलिए आप जानते जा रही या जानते था, आई हमें भी समझ से परे हो चुका है, बहुत बेहतरीन मौका था यहाँ पर सुखलाल के लिए, बहुत बेहतरीन मौका था यहाँ पर दिनेश के लिए, कमाल का मौका था लेकिन मौका को गंवा चुका है। ऐसा मौका गंवाना कभी कभी अपने से काफी ज्यादा ऐसा अपनी छोटी के बगल में एक मौका गंवाना इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में ये पछताव का कारण बन सकता है, अगर टीम पर हार जाती है तो बहुत बड़ा कारण भी ठहराया जा सकता है, इसीलिए जो भी आपको मौका मिल रही है उस मौका का आप सटीक इस्तेमाल करें, सही उपयोग करें, सही उपयोग करेंगे तो आपको उनका अच्छा खासा रिजल्ट भी मिलेगा। ये है गुरुचरण, सीधे चंद्रमोहन को निशाना बनाया था, ए आर वन मैजरी जुझार सोरेन, ए आर टू करण हांदा, सो थैंक्स अबाउट ऑल रेफरी पैनल्स एंड थैंक्स अबाउट ऑल सपोर्टिंग इन दिस टूर्नामेंट, ऑल फैंटास्टिक गार्डियन, सो थैंक्स टू लिसनर, सो थैंक्स अबाउट बीएमसी जीटीडी ऑल क्लब मेंबर्स। तो आज का जो मुकाबला है सभी का आप स्वागत करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीम आज टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है और कई टीम अभी भी मैदान पर डटी हुई है और इस टूर्नामेंट बनी हुई है और इस टूर्नामेंट पहले भी चुका हूँ, सभी तरीके के रेफरी बन पैनल में रेफरी मनमोहन को रखा गया है। साथ ही साथ एक जानकारी बता दूं, जितने भी दर्शक अभी भी हमारे इस मैदान पर आ रहे हैं या इस मेले प्रांगण पर आ रहे हैं ध्यान देंगे, जितने भी साइकिल मोटरसाइकिल बार बार ये मैसेज आ रही है दर्शकों को ध्यान देवे, बार बार ये मैसेज का हमारा सुनते पास है कि तो ठीक लाग से ना आपनारा ध्यान देवार चेष्टा करबेन, जे आपनी बाड़ी थेके जे साइकिल बा मोटरसाइकिल निये आपनारा आसछेन साइकिल मोटरसाइकिल आपनारा जेखाने सेखाने पार्किंग करबेन ना, आमादेर होटल जे मेन होटल आछे मोटेलेर फ्रंट साइडे, होटेलेर ठीक फ्रंट साइडे एकटु बाइक स्टैंड करानो होयेछे, सेई स्टैंड बाइक मालिकेर काछे अनुरोध करते चाइ कि दादा आपनि जेखाने थाकुन दया करे आपनि सेई क्लाब मेम्बार আপনার আমাদের ক্লাব মেম্বার যেমনি তেমনি করে ওখান থেকে সরে দেবেন, আর সরে দেবার
समय जितना पास भी आपका छोटी हो बा छोटी हो ताज जिसे बार आपने खुद थक गए आपने निजी थक गए शिया आपने भावेलें आपने निजी खाते के अपना आपने खाते के पार्टी जोने ले जावें बा आमादें कलाम में बस आपने डिसाइड करें लें कि छोटा समय जब चश्मा कर गए पांच मिनट हम भीतर आपने खाते गाड़ी का न और दस दो ये अपना खेला देखते हैं शांतिपुर शक्ति जमशेदपुर शांतिपुर शक्ति जमशेदपुर जी टीम का अपना देखते हैं दक्षिणी प्रांत की टीम अपना देखते हैं ये खाने की सुध बहुत बेहतर किंतु बोल रहे क्लियरेंस पूरी चल आज स्टेपल इतना कोई देखा नहीं प्रसाद मुर्मू सेंटर का गेस्ट पर मैन डिफेंड लंबा लंबा कीक नहीं जाने एक हड्ड हड्ड इमेज खेल बाजरे के सुंदर पूरी चीज आ चाहिए कर इनर प्रसाद मुर्मू सैमन टीमर कप्तान छोटू हांदा आबार मीट जोन है बुद्धेश्वर आबार चंद्रमोहन जन बॉल चंद्रमोहन के साथी जन सैमन सैमन है ब्रो मीट जोन आबार बॉल रखो चेस्टा खाने छोटू जन चितवे खाने गोकुल देखा जाएगा फिर दिनेश अजन्त बॉल एमएमसी शंकरपुर अब आप सोचोगे तो पर दिनेश दिनेश अब दीपक अजन्त तो सुंदर पास सुंदर की सुंदर तालमेल सुंदर कोऑर्डिनेशन सुंदर कम्युनिकेशन निखाने देखा जाता है आज के एमएमसी शंकरपुर मन्नी मर्सल क्लब शंकरपुर तारफुल बोल अच्छे नंदु टीम मौजूद अच्छे शुक्ला टावर गोकुल अब बंगल एवरी समस्त राजनगर एरिया खेलवाड़ आज के टीम में मौजूद आचन इंक्लूडिंग हुए चिन शांति हुए साथ से जमशेदपुर के नियमित खेलवाड़ किंतु देखा जाए एकदम कभी तो दूसरी टीम एकदम बराबरी है लेवलिंग पोजीशन के आधार पर जो होता था रे बुरी तरह से सरदार का चबोल एक मिनट का कोई करे चिन आवाज की जो कोई रिकॉर्ड चिंता करके दिखा रहे आज के चंद्र बहुत साइमन एक स्पष्ट लेवल चेस्ट आपको चले करे साइमन साइमन छोटू जन्म बोल छोटू आबार चंद्रमणि जन्म गुरुचरण सरदार हाँ है तीस जन सभा जने तूफान काके बोला जाए और सुंदर किनारे गुरुचरण सभा जने तूफान काके बोला जाए सजो सजो भाषा जिसे बोला जाए कथा बोला जाए तो तूफान बच्चों मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है हौसलों से कुछ नहीं होती जनाब पंखों से कुछ नहीं होती जनाब हौसलों से उड़ान होती है यानी कि आपके पास अगर पंखा भी रहेगा तो पंखों की ताकत से कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके पास हौसला नहीं रहेगा आप पक्षियों को देखेंगे पक्षियों के पास बड़ी बड़ी उनके पास पंखा तो है पंख तो है लेकिन हौसला अगर नहीं रहेगी तो आप किसी भी तरह से उड़ नहीं पाएंगे लेकिन उनके पास इसे भी इस नंदू के लिए मौका बनेगी थोड़ा सा वेट किया नंदू ने कारगिल का अच्छा पासिंग दिया था ईयर में लेकिन नंदू ने थोड़ा टाइमिंग का इंतजार किया वेटिंग किया और नतीजा फिलहाल फिर से मौका बनेगा यहाँ पर क्या यहाँ से खतरा हो सकती है बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पर चंद्रमोहन इसलिए तो कहा जाता है कि फुटबॉल की दुनिया में कौन किसका होता है और धोखा तो वही देता है जिसमें खास भरोसा होता है हालांकि चंद्रमोहन एक अच्छे खिलाड़ी है आप इसे विश्वास कर सकते हैं लेकिन आज चंद्रमोहन कभी कभी धोखा भी दे रहे हैं हालांकि फुटबॉल की दुनिया में भी ऐसा होता है पहली बार मैं सुन रहा हूं देख रहा हूं चंद्रमोहन जैसे मजे भी खिलाड़ी जब इसका दर इसी बीच मुना अलगा तक है जो अगुई मिया अगुई मैं 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 अगुई गोलकीपर पर लिखा था नपाय उपरूम अखिल जीतर फिर बनावा का जीते जगह है फुटबॉल में जगत रे चाहे झारखंड हो उड़ीसा हो वेस्ट बंगाल हो जहां की चला नौका के तरुण लेखा कुल बना लेखा कम कर कमसा बढ़ा है अराडी अलग पे बोल कर कलेक्टर ना आप उनकी ना सुरसुपुर कहे करते उन्हें अलग पे इकहल के बंद को सहायता डाले तो उनका गोलकीपर लिखा थे नपाय उपरूम फिर बनावा का बबलू मुर्मू तारीफ किनाले बबलू मुर्मू
एमएम से शंकर पुल का नाम मिटन नियमित रेगुलर टीम के गोलकीपर खाना पिन और ऐसा साथे सरोज माड़ी नकली तारीफ पीना साइंस वाले तारीफ पीना दिखा दे साक्षी बज शांति बज साक्षी जमशेदपुर इन नकली रेगुलर नियमित गोलकीपर लेकर ते नपा उपरम की बनावा करा आगे थे नंदू सदाभन बॉल कितना राजा किचुगन स्पोर्ट्स किचुगन चलिए वहां पर कारगिल ने थोड़ा इसे कहता डिसिप्लिन इसे कहता अनुशासन और अनुशासन देश को महान बना सकता है तो आप खिलाड़ी है आपको क्यों नहीं मान बना सकता है इसलिए अनुशासन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ हमारे जीवन का अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है और इसी हम दरकिनार करेंगे तो अनुशासन हमें दरकिनार कर देगी और ऐसा दरकिनार कर जिंदगी में कभी भी हम उठ नहीं पाएंगे जिंदगी में कभी भी किसी काम में हम अपना परिचय को नहीं बना पाएंगे तो खिलाड़ियों में खासियत ये होती है और खिलाड़ियों की खासियत में ये होना भी चाहिए ये अगर नहीं होगी तो उनके लिए आगे जाना दिक्कत ही दिक्कत है क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म फुटबॉल को खेलना है आज कारगिल में अगर बात करें तो 15 साल का अगर सेवा को बेच चुके थे एक ही कारण है कि डिसिप्लिन को मेंटेन किया है डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेंगे तब ज्यादा लॉन्ग टर्म फुटबॉल को नहीं खेल पाएंगे चलिए यहां पर सीधे अपने साथी खिलाड़ी सुनील ये सुनील को यहां पर मैदान पर लाया गया है के साथ यहां पर मौका बनेगी इसी बीच एक अच्छी हेडर मौका था चलिए इस बार किसी को दगा दे था बहुत ही अच्छा खूबसूरत हेडर सुनील का सुनील जैसे आए पूरी तरह से सफल बैठा लेकिन एक बार और मौका बनेगी टीम के कप्तान यहां से मौका बन सकता है ना आसान नहीं है यहां पर ये है राजा राम हाफता ये भी गभारी एरिया का सबसे एक चमकता हुआ सितारा है अक्सर कहा जाता है अगर असली हीरे की चमक अगर देखना है तो आप अंधेरे की अंधेरा का आप इंतजार कीजिए यानी कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि दिन में तो शीशे के टुकड़े भी चमकते हैं चलिए गेंद चली जाएगी सीधे सीमा रेखा से बाहर चलिए अगला मैच के लिए ध्यान देंगे दोनों ही टीम अगला मैच के लिए दोनों ही टीम ध्यान देंगे दोनों ही टीम की टीम कप्तान टीम मैनेजर सेकंड राउंड का सेकंड मैच के लिए आप दोनों टीमों के टीटीपीएस हॉल पर बोकारो और सामना करेंगे इस्माइल क्लब संबलपुर ओडिशा चलिए दो और दमदार टीम के बीच मुकाबला होगा चलिए इस्माइल क्लब ओडिशा और टीटीपीएस लालपनिया बोकारो चले आएंगे पूरी टीम के साथ समय बिल्कुल नहीं है और फटाफट पूरी टीम के साथ चले आएंगे समय बिल्कुल भी नहीं है चलिए यहां पर फिर से गेंद के साथ दिनेश चलिए फैक्टर को जानना होगा आपको डिमांडेड क्या है आप कौन सा जन्म में मौजूद है गोल एरिया कहां पर है गोलपुर कहां पर यहां से मौका बनेगी अभी भी खतरा हो सकता है यहां पर काफी अर्से बाद एक मौका मिला है देखना होगा सुखलाल को चलिए यहां पर गोकुल ने बिल्कुल छोर को बदला है गोकुल छोर को बदलने के बाद अभी भी मौका बन सकता है यहां पर मंगल